केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। वे 74 साल के थे। इस वीडियो में हम रामविलास पासवान जी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। रामविलास पासवान जी का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया बिहार ब्रिटिश इंडिया में एक दलित परिवार में जामुन पासवान और सिया देवी के घर हुआ था। उन्होंने कोसी कॉलेज खगड़िया से ग्रेजुएशन किया और बैचलर्स ऑफ लॉज की डिग्री प्राप्त करी। फिर उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। अब आपको उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बताते हैं। राजनीति की नब्ज पकड़ने वाले रामविलास पासवान पहली बार 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे थे। साल 1974 में राज नारायण और जेपी के प्रबल अनुयायी के रूप में लोकदल के महासचिव बने थे। वे व्यक्तिगत रूप से राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था। रामविलास पासवान हवा के रुख के साथ राजनीति के अपने फैसले बदलने में माहिर थे। रामविलास पासवान पिछले 5 दशक से भी ज्यादा वक्त राजनीति में सक्रिय थे और देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से उनकी पहचान होती थी। वे 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। रामविलास पासवान मोदी सरकार में उपभोक्ता मंत्री थे। आपको बता दें कि साल 1969 में पहली बार पासवान बिहार के राज्यसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीते थे। साल 2000 में पासवान ने जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।